हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मंत्रम। बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मदर टेरेसा। आप में से बहुत से बच्चे मदर टेरेसा के बारे में जानते भी होंगे, तो आज हम उनकी लाइफ के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। पर उसके पहले हम आपको कुछ और पिक्चर्स दिखाते हैं। आइडेंटिफाई दीज पीपल हु हैव इंस्पायर्ड अदर्स एंड मेड अ लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। इन लोगों को पहचानिए जिन्होंने दूसरों को प्रेरित किया है और एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में स्थायी योगदान दिया है। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं। अब हम इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। He is known as the father of modern India for the remarkable reforms he brought against child marriage, widowhood and untouchability in the 18th century. उन्हें 18वीं शताब्दी में बाल विवाह, विधवापन और अस्पृश्यता यानी कि untouchability या छुआछूत के खिलाफ लाए गए उल्लेखनीय सुधारों के लिए आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। और इनका नाम है राजा राम मोहन राय। एक और पिक्चर देखते हैं, इनको तो शायद आप पहचानते होंगे। शी इज द पाकिस्तानी स्कूल गर्ल हु डिफाइंड थ्रीट्स ऑफ द तालिबान टू कैंपेन फॉर द राइट टू एजुकेशन। वह एक पाकिस्तानी स्कूली छात्रा है जिसने शिक्षा के अधिकार के लिए अभियान चलाने के लिए तालिबान की धमकियों का विरोध किया। यहाँ तक कि इन्हें कई गोलियां भी मारी गईं, लेकिन फिर भी इन्होंने शांति का रास्ता नहीं छोड़ा। और इनका नाम है मलाला यूसुफ जई। एक और पिक्चर देखते हैं। ही इज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। He is well known for his efforts to eradicate social evils like untouchability and caste restrictions. वे भारत के संविधान के निर्माताओं में से एक और जिन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत और जाति प्रतिबंधों जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। और इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और पिक्चर दी गई है। ही इज अ साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हु स्पेंड ओवर 20 इयर्स इन प्रिजन फॉर हिज अपोजिशन टू अपार्थेड। तो ये एक दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिसने अपने रंग भेद की नीति के विरोध में जेल में 20 साल से अधिक समय बिताया। और इनका नाम है नेल्सन मंडेला। नाउ रीड एंड फाइंड आउट अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ दिस नोबल अल्बेनिया बॉर्न इंडियन कैथोलिक नन मदर टेरेसा हु स्पेंट ऑल हर लाइफ सर्विंग द पुअर, अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड फॉर पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब हम अल्बेनिया में जन्मी इस महान भारतीय कैथोलिक नन मदर टेरेसा के जीवन और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों, अवांछित, अप्राप्य और दुनिया के लोगों की सेवा करने में बिताया। पुअर यानी कि गरीब, अनवांटेड यानी ऐसे लोग जिनकी किसी को जरूरत नहीं है, अनलव्ड जिनसे कोई प्यार नहीं करता, अनकेयर्ड यानी कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ब्लास टेरेसा ऑफ कलकत्ता, नाउ कोलकाता, नोन टू द वर्ल्ड ओवर एज मदर टेरेसा, वाज बोर्न ऑन अगस्त 26, 1910 इन स्कोपेई, अल्बेनिया। शी वाज क्रिस्टेंड एज गोंजा एग्नेस बोजाइयू। द फैमिली ऑलवेज कॉल्ड हर Gongza, which means flower bird, because she was plump and pink and always cheerful. Mother Teresa के नाम से मशहूर कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता कहलाता है, वहाँ की धन्य टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को
स्कोपे अल्बीनिया में हुआ था। उन्हें गोंगजा एग्नेस बोजाजियो का नाम दिया गया और उनका परिवार हमेशा उन्हें गोंगजा कहते थे, जिसका अर्थ है फूलों की कली, क्योंकि वह मोटी और गुलाबी थी और हमेशा हंसती रहती थी, यानी कि बहुत हसमुख थी। गोंगजा's father died when she was a girl, causing many hardships, but her mother supported the family with a fabric business she ran from home. गोंगजा जब बहुत छोटी लड़की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिससे कि उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी माँ ने घर से चलाए जाने वाले कपड़े के बिजनेस से या व्यवसाय से परिवार को सपोर्ट किया, यानी परिवार का निर्वहन किया। फ्रॉम द टाइम शी वॉज अ लिटिल गर्ल गोंगजा वॉन्टेड टू हेल्प द पुअर शी हर्ड स्टोरीज ऑफ पीपल हु हेल्प अदर्स शी डिसाइडेड टू बिकम अ मिशनरी व्हेन शी वॉज 12 शी ज्वाइंड द सिस्टर्स ऑफ लॉरेटो एज अ नन when she was 18 and took the name Mary Teresa. After her training in Ireland, she was sent to teach at St. Mary's, a private girls' school in Calcutta. She spent many happy years there, and for several years she served as the headmistress of the school. She loved her students, and they loved her. Everyone called her Mother Teresa. गोंगजा बचपन से ही गरीबों की मदद करना चाहती थी। उसने उन लोगों की कहानियाँ सुनी जिन्होंने दूसरों की मदद की थी, यानी कि ऐसी कहानियाँ वो अक्सर सुनती रहती थी जिसमें यह बताया जाता था कि किस प्रकार कोई व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही एक मिशनरी बनने का फैसला कर लिया था, यानी कि एक मिशनरी नन बनने का फैसला कर लिया था। वह 18 साल की उम्र में नन के रूप में लॉरेटो की सिस्टर्स में शामिल हो गई थी और उन्हें मैरी टेरेसा का नाम दिया गया। आयरलैंड में उनकी ट्रेनिंग हुई, वहां से उन्हें कलकत्ता के एक प्राइवेट स्कूल में, जिसका कि नाम था सेंट मैरीज, वहां पर टीचिंग के लिए भेजा गया था। उन्होंने वहां कई खुशहाल वर्ष बिताए, बहुत हैप्पीली लाइफ वहां पर उन्होंने जी। कई वर्षों तक उन्होंने स्कूल की प्रधान अध्यापिका यानी कि हेड मिस्ट्रेस के रूप में काम किया। वह अपने छात्रों से बहुत प्यार करती थी और छात्र भी उनसे बहुत प्यार करते थे। सभी उन्हें प्यार से मदर टेरेसा कहते थे। वन डे इन 1946 मदर टेरेसा वॉज ऑन हर वे फ्रॉम कलकत्ता टू दार्जिलिंग फॉर मैनी आवर्स एज द ट्रेन रोल्ड अक्रॉस द कंट्री साइड She watched the scenery pass by her window, but she was deeply moved by the sight of so many poor people. It was then that Mother Teresa realized that although some people in India were rich, many were still terribly poor. This made her sad, and she knew she must try to help them. So, एक घटना हुई थी 1946 में, यानी कि 1946 में एक दिन मदर टेरेसा कलकत्ता से दार्जिलिंग जा रही थी। वहाँ कई घंटों तक जैसे ही ट्रेन रूरल एरिया से गुजर रही थी और धीरे धीरे जा रही थी, उन्होंने अपनी खिड़की से गुजरते हुए दृश्यों को देखा और बहुत सुंदर वहाँ के नज़ारे थे, लेकिन इतने सारे गरीब लोगों को देखकर वह बहुत प्रभावित हुई। वहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग थे, उनको देखकर उनको बहुत दुख हुआ और तभी मदर टेरेसा ने यह महसूस किया कि हालांकि भारत में कुछ लोग अमीर थे लेकिन फिर भी बहुत से लोग बहुत गरीब थे। इससे वह दुखी हो गई और वह जानती थी कि उन्हें उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। Back in Calcutta, Mother Teresa decided to give up teaching and work towards reducing the suffering of the people. She wanted to help those who had no one to help them, the sick people, abandoned children and the homeless. Calcutta वापस आकर Mother Teresa ने teaching का काम छोड़ दिया, यानी कि पढ़ाने का काम छोड़ दिया और गरीबों की पीड़ा दुख तकलीफ को कम करने की दिशा में काम करने का फैसला किया। तो वे उन लोगों की मदद करना चाहती थी
जिनके पास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, जैसे कि बीमार लोग या छोड़े गए बच्चे या परित्यक्त बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स ने या मम्मी पापा ने छोड़ दिया है, और बेघर लोग जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो ऐसे लोगों की वे मदद करना चाहती थी। After 2 years, Mother Teresa started a new order, the Missionaries of Charity. She found a place to live and took a course in nursing. And then she went out to look for the poorest people in the poorest areas of Calcutta. All day long, she worked and fed the hungry people she met, treating their wounds and illnesses, comforting and helping them in any way she could. She picked up abandoned babies and became a mother to them. तो 2 साल के बाद मदर टेरेसा ने एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था शुरू की। उनको रहने के लिए जगह मिल गई और वहां पर उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया, और फिर वह कलकत्ता के सबसे गरीब इलाकों में सबसे गरीब लोगों की तलाश में निकल गई। तो दिन भर वह काम करती थी, और फिर जब उनको भूखे लोग मिलते थे तो उनको वे खाना खिलाती थी, उनके घावों और बीमारियों का इलाज करती थी, उन्हें सांत्वना देती थी और हर तरह से उनकी मदद करती थी। और ऐसे बच्चे जिनको उनके पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने छोड़ दिया है, उन्होंने उठाया और उनकी माँ बन गई। इट वॉज वेरी हार्ड, बट मदर टेरेसा ट्रस्टेड इन गॉड टू गिव हर द स्ट्रेंथ शी नीडेड। Within months, she was joined by many others who had heard about her work and wanted to become missionaries of charity too. Mother Teresa and the nuns who helped her opened over 50 homes for orphans. In many other places, they fed and cared for the very poor who were too old or sick to help themselves. तो जो मदर टेरेसा कर रही थी वह बहुत कठिन था, लेकिन मदर टेरेसा ने भगवान से उन्हें वह शक्ति देने के लिए भगवान पर ही भरोसा किया। कुछ ही महीनों के अंदर वह कई अन्य लोगों से जुड़ गईं जिन्होंने उनके काम के बारे में सुना था, और वे भी मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनना चाहते थे। मदर टेरेसा और उनकी मदद करने वाली ननों ने अनाथों के लिए 50 से अधिक घर खोले, और फेंस मतलब अनाथ, यानी कि जिनके माँ बाप मर चुके हैं। कई अन्य जगहों पर उन्होंने बहुत गरीब लोगों को खिलाया और उनकी देखभाल की। वे लोग ऐसे थे जो खुद की मदद करने के लिए या तो बहुत बूढ़े थे या फिर बीमार थे, यानी कि वे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते थे। तो ऐसे लोगों की मदद मदर टेरेसा और उनकी संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने की। इन 1979 मदर टेरेसा वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर पीस। इन हर एक्सेप्टेंस स्पीच शी सेड, पर्सनली आई एम अनवर्दी, आई एक्सेप्ट इट इन द नेम ऑफ द पुअर। इन 1980 मदर टेरेसा रिसीव्ड द भारत रत्न फॉर हर इंस्पिरेशनल वर्क। तो मदर टेरेसा के इन सभी कार्यों के लिए 1979 यानी 1979 में उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है। अपने स्वीकृति भाषण में, यानी कि जब वो अवार्ड ले रही थी, तब उन्होंने क्या कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके अयोग्य हूँ, यानी कि पर्सनली वो कहती थी कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, पर मैं इसे गरीबों के नाम पर स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं इसे गरीबों के नाम पर स्वीकार करती हूँ या ग्रहण करती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। 1980 में मदर टेरेसा को उनके प्रेरणादायक काम के लिए भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का, इंडिया का सर्वोच्च सम्मान होता है। एट द टाइम ऑफ मदर टेरेसास डेथ इन 1997, द मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड होम्स इन 123 कंट्रीज around the world. They are opening more homes whenever they can. 1997 में मदर टेरेसा की मृत्यु के समय मिशनरीज ऑफ चैरिटी के दुनिया भर के 123 देशों में घर थे। वे जैसे बने तैसे और भी घर खोल रहे हैं, यानी कि जब भी वे कर सकते हैं तो वे एक नया घर
खोलते हैं। On September 4, 2016, the Vatican proclaimed Mother Teresa as being a saint. 4 सितंबर 2016 को वेटिकन ने मदर टेरेसा को संत घोषित किया। तो देखा बच्चों आपने, मदर टेरेसा एक महान महिला थी जिनको हमेशा उनके अद्भुत कार्यों और उपलब्धियों के लिए पूरे विश्व भर के लोगों द्वारा प्रशंसा और सम्मान दिया जाता है। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने उनके जीवन में असंभव कार्य करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है। वो हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगी। मदर टेरेसा एक अनोखी इंसान थी जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ी दिखाई देती थी। तो बच्चों कैसी लगी आपको मदर टेरेसा की कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।